आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक सर्किट ब्रेकर क्वेश्चन विच फ्रिक्वेंट आस्क इन इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू, मतलब इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सर्किट ब्रेकर से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए मैंने यहाँ पे मुख्य चार सवाल रखे हैं जो कि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और दोस्तों इंटरव्यू के अंदर इन सवालों का जवाब देते समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह हमारे सामने आती है, हम आम शब्दों में इसके जवाब तो दे सकते हैं लेकिन असलियत में टेक्निकल लैंग्वेज में इंग्लिश के अंदर हम इसके कैसे जवाब दें, तो वो भी आज के वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज द सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों इस पहले सवाल का जवाब आप कुछ इस प्रकार से दे सकते हो, आप बोल सकते हो सर्किट ब्रेकर इज ए ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच या डिवाइस, मतलब कि सर्किट ब्रेकर एक ऑटोमेटिकली ऑपरेट होने वाला इलेक्ट्रिकल स्विच है जो कि अपने आप ऑपरेट होता है। और इसी के साथ में आप एक और सेकेंड लाइन भी जोड़ेंगे जो कि आप बोलेंगे इट प्रोटेक्ट्स ओवर इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड मशीन थ्रू एनी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, मतलब कि जो सर्किट ब्रेकर होता है वह हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट और मशीन को सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से प्रोटेक्ट, मतलब बचाता है। तो दोस्तों यह जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन आपके सर्किट ब्रेकर की डेफिनेशन भी बता रही है और नॉर्मल तरीके से आपका जो फंक्शन है इसका वो भी बता देती है। तो इन दोनों लाइन को आप आगे से इंटरव्यू के अंदर भी बोल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारा सेकंड सवाल आता है, डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड सर्किट ब्रेकर, मतलब कि हमारे जो नॉर्मल स्विच होते हैं उसके अंदर और सर्किट ब्रेकर इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों इसका जवाब हम में से अधिकतर लोगों को क्लियर पता है, पर दोस्तों लफड़ा यह है कि आखिर इंग्लिश के अंदर या फिर टेक्निकल लैंग्वेज में इसका जवाब क्या है। तो दोस्तों इसका जवाब भी आप कुछ दो से तीन लाइन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सबसे पहले स्विच के बारे में और सर्किट ब्रेकर के बारे में, तो यहाँ पे आंसर में भी हम सबसे पहले स्विच के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ लिखा है स्विच इज जस्ट ए डिवाइस विच कैन बी एबल टू ओपन एंड क्लोज द सर्किट ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, मतलब कि स्विच एक इस प्रकार का डिवाइस है जो कि एबल है, मतलब जो कि ताकत रखता है हमारे सर्किट को ओपन और क्लोज करने की, मतलब कि स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारे सर्किट को बंद और चालू करने की ताकत रखता है। लेकिन दोस्तों साथ साथ यहाँ पर एक और लाइन लिखी हुई है, इसको आप नजरअंदाज मत कीजिए, ये लिखा हुआ है ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, मतलब कि ये जो भी काम करता है ना ये सिर्फ नॉर्मल कंडीशन के अंदर ही करता है, जब हमारी जो कंडीशन है कोई भी खराब कंडीशन नहीं है, सब नॉर्मल है, मतलब कि हमारा कोई ओवर करंट नहीं हो रहा, हमारा कोई भी उपकरण है वो उपकरण ज्यादा हीट नहीं हो रहा, मतलब वो जितनी भी सब नॉर्मल कंडीशन है उस नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये स्विच हमारे सर्किट को बंद और चालू करने का काम करता है। और दोस्तों इसके बाद में हम सर्किट ब्रेकर के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर लिखवा है वेयर इज द ऑन द अदर हैंड, मतलब कि दूसरी साइड जब हम सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं तो सर्किट ब्रेकर हैज द एबिलिटी टू ओपन एंड क्लोज द कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग अब नॉर्मल एंड फॉल्ट कंडीशन। इस लाइन का मतलब यह है कि अगर हम दूसरी साइड सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं तो सर्किट ब्रेकर के पास में एबिलिटी मतलब ताकत होती है हमारे जो कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट को बंद और चालू करने की ड्यूरिंग अब नॉर्मल कंडीशन और फॉल्ट कंडीशन, मतलब कि दोनों लाइन में सिर्फ इतना सा अंतर है, दोनों ही हमारे सर्किट को बंद चालू करने का काम करते हैं, हमारा सर्किट ब्रेकर भी यही काम करता है और हमारा स्विच भी यही काम करता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ अंतर यह है कि हमारा जो स्विच है वो सिर्फ नॉर्मल कंडीशन में काम करेगा लेकिन हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो सर्किट ब्रेकर किसी भी अब नॉर्मल कंडीशन का मतलब यह कि जो भी हमारी नॉर्मल कंडीशन नहीं है उसके अलावा जो भी कंडीशन है अब नॉर्मल कंडीशन कहलाएगी। तो सर्किट ब्रेकर जो है वो अब नॉर्मल कंडीशन में और साथ साथ कोई भी फॉल्ट कंडीशन में भी हमारा वर्क करता है, तो यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो आगे से इंटरव्यू के अंदर आप इस दूसरे सवाल पे यह जवाब दे सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में हमारा तीसरा सवाल है आइसोलेटर एंड सर्किट ब्रेकर डिफरेंस, मतलब कि आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर में क्या अंतर होता है। दोस्तों यह सवाल इंटरव्यू के अंदर काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो इसका जवाब भी आपको क्लियर पता होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे इस सवाल का जवाब भी बाकी के दोनों सवालों की तरह ही बिल्कुल आसान है, इसमें भी आपको सिर्फ दो लाइन बतानी है। इसमें दोस्तों यहाँ पर ये जो लाइन है ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन हमें यह बता रही है कि आइसोलेटर इज ए ऑफ लोड डिवाइस और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है नो लोड डिवाइस, मतलब कि हमारा जो आइसोलेटर होता है वो आइसोलेटर हमारा ऑफ लोड डिवाइस होता है और ऑफ लोड डिवाइस को ही हम नो लोड डिवाइस भी बोलते हैं। और जबकि वहीं अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो सर्किट ब्रेकर होता है हमारा ऑन लोड डिवाइस। तो दोस्तों इस तीसरे सवाल के अंदर सबसे पहली लाइन तो आपको क्लियर हो गई, यही बोलनी कि आइसोलेटर हमारा नो लोड डिवाइस है जबकि हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो हमारा ऑन लोड डिवाइस है। इसी के साथ में दोस्तों एक और लाइन आपको यह बतानी है कि आइसोलेटर स्विच आर यूज फॉर ओपनिंग एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट इन द नो लोड कंडीशन, मतलब ये हमारा जो आइसोलेटर डिवाइस होता है जो कि एक आइसोलेटर स्विच होता है वो हमारा यूज किया जाता है फॉर द ओपनिंग एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट इन द नॉर्मल कंडीशन, मतलब कि सिर्फ नॉर्मल कंडीशन के अंदर ही हम उसके द्वारा हम सर्किट को ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं, मतलब कि हम आइसोलेटर को भी एक स्विच की तरह ही उपयोग कर सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर आइसोलेटर और स्विच में भी डिफरेंस हो जाता है।
तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है आइसोलेटर और स्विच में? तो इसका जवाब आपको अगली लाइन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आइसोलेटर के लिए लिखा हुआ है, इट इज नॉट यूज विल करंट फ्लो थ्रू द लाइन। इस लाइन का मतलब यह है दोस्तों कि आइसोलेटर का उपयोग हम सिर्फ तभी करेंगे जब हमारे लाइन के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो इस बात का आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी ध्यान रखना है। आइसोलेटर क्या होते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है, जियो आपने देखे हैं जो हमारे सब स्टेशन के अंदर लगाए जाते हैं, हमारे ट्रांसफॉर्मर के पहले ट्रांसफॉर्मर के बाद लगाए जाते हैं। तो वो जो जियो होते हैं जिसको हम गैंग ऑपरेटेड डिवाइस भी बोलते हैं दोस्तों, वो जो गैंग ऑपरेटेड डिवाइस होते हैं वो एक तरह का आइसोलेटर है। और जो आइसोलेटर होते हैं, इस आइसोलेटर को कभी भी जब हमारे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तब हमको कभी भी उसको बंद चालू नहीं करना चाहिए। अगर हमने उसको ऑन लोड कंडीशन में, मतलब कि जब हमारे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तब हमने उसको बंद चालू किया, तो वहां पे हमारा काफी बड़ा स्पार्क जनरेट होगा और हमारा जो आइसोलेटर है वो आइसोलेटर भी खराब हो सकता है और इसके साथ साथ हमें दूसरी हानियां भी पहुंचा सकता है। तो इसी बात का आपको ध्यान रखना है। और तीसरे सवाल के अंदर भी आपको यही जवाब देना है कि आइसोलेटर जो होता है वो हमारा सिर्फ नो लोड कंडीशन में ही काम करता है। नो लोड कंडीशन मतलब जब हमारे लाइन में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और अगर हम आइसोलेटर की एग्जांपल की बात करें तो काफी बड़ा एग्जांपल है जियो, जो कि है गैंग ऑपरेटेड डिवाइस। इसी के बाद में दोस्तों आज का हमारा आखिरी और चौथा सवाल बच जाता है, जो कि है ओवर करंट एंड ओवर लोडिंग में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों यह सवाल सुनने में काफी ज्यादा सिंपल लग रहा है, लेकिन दोस्तों इसका जवाब हमें कैसे देना है वो हम जान लेते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब हम इनकी डेफिनेशन की मदद से दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले ओवरलोड की डेफिनेशन और इसको समझ लेते हैं। तो ओवरलोड के केस में आप यह बोल सकते हैं, इज ए सिचुएशन ड्यूरिंग विच द लोड ड्रेन मोर करंट देन द डिजायर्ड वैल्यू। यह लाइन का मतलब यह है कि हमारी एक ऐसी सिचुएशन, मतलब कोई ऐसी कंडीशन पैदा हो गई जब हमारा जो लोड है वह लोड उसके डिजायर्ड वैल्यू से, डिजायर्ड वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे कि हमारी एक मोटर है, इस मोटर का जो करंट है वो करंट हमारी मोटर 10 एम्पीयर लेनी चाहिए, तो 10 एम्पीयर है वो इसकी डिजायर्ड वैल्यू है। ये जो हमारी मोटर है सिर्फ 10 एम्पीयर ही करंट लेनी चाहिए, इसके ऊपर नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर हमारा कोई भी लोड, चाहे वो मोटर हो या कुछ भी हो, अगर वो उसकी डिजायर्ड वैल्यू को क्रॉस कर जाती है, जैसे कि मोटर की डिजायर्ड वैल्यू कितनी है 10 एम्पीयर, ये इसके ऊपर नहीं लेनी चाहिए। अगर वो इस 10 एम्पीयर को क्रॉस कर जाती है, जैसे वो 12 एम्पीयर या 15 एम्पीयर लेने लगी, तो वो जो सिचुएशन होगी वह सिचुएशन हमारी ओवरलोडिंग कहलाएगी। और दोस्तों वही सेकंड केस में हम ओवर करंट की बात करें, तो ओवर करंट में यहाँ पे यह लिखा हुआ है, इज द फ्लो ऑफ एन एक्सेसिव करंट इन ए सर्किट ड्यू टू ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। तो इस लाइन का मतलब यह है कि जैसे कि हमारा एक वायर है, इस वायर या इस सर्किट में से अगर हमारा काफी ज्यादा एक्सेसिव करंट का मतलब है कि काफी अधिक करंट, तो अगर हमारा इस सर्किट में से काफी ज्यादा करंट फ्लो होगा तो वह जो कंडीशन कहलाती है वह कंडीशन ओवर करंट कहलाती है। और दोस्तों यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने वाली यह है कि हमारा जो ओवर करंट वाली सिचुएशन है वो हमारे ओवरलोड की वजह से भी बन सकती है। ओवरलोड की वजह से मतलब, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ओवरलोड क्या होता है, हमारी जो मोटर है वो मोटर डिजायर्ड वैल्यू से ज्यादा करंट लेने लगी, 10 एम्पीयर की जगह वो 15 एम्पीयर करंट ले गई। लेकिन दोस्तों अगर हम यही माने कि हमारी मोटर 10 एम्पीयर की जगह 15 एम्पीयर नहीं, यहाँ पे 100 एम्पीयर करंट ले लगी, यह हमारा कुछ सेकंड के लिए होगा, पर अगर वो कुछ सेकंड के लिए भी अगर 100 एम्पीयर इतना ज्यादा करंट ले लगी तो वो जो कंडीशन कहलाएगी वो हमारा ओवर करंट ही कंडीशन कहलाएगी। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि काफी ज्यादा जब हमारे करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, चाहे वो शॉर्ट सर्किट के कारण बढ़े, चाहे हमारा फेस न्यूट्रल आपस में टच हो उसके कारण बढ़े, या फिर हमारा ओवरलोड के कारण बढ़े, तो ये दोनों ही कंडीशन में वो हमारा ओवर करंट ही कहलाएगा। तो इन दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है, जब हमारा काफी ज्यादा करंट की वैल्यू बढ़ गई तो वो हमारा ओवर करंट कहलाएगा, और जब हमारे डिजायर्ड वैल्यू से थोड़ी सी करंट की वैल्यू ज्यादा बढ़ी है तो वो हमारी जो कंडीशन कहलाएगी वो हमारे ओवरलोडिंग कंडीशन कहलाएगी। और दोस्तों इस वीडियो खत्म करते करते मैं आपको एक और बात बता दूं, अभी हम सर्किट ब्रेकर की बात कर रहे हैं और आपने साथ साथ एक और चीज सुनी होगी जो कि होता है हमारे फ्यूज। तो दोस्तों हमारा जो सर्किट ब्रेकर होता है वह सर्किट ब्रेकर तो हमें ओवर करंट पे भी सुरक्षा देता है और ओवर लोडिंग पे भी सुरक्षा देता है, लेकिन अगर हम जब फ्यूज को लगाते हैं तो फ्यूज कभी भी हमको ओवर करंट पे सुरक्षा नहीं देता है। फ्यूज हमें सिर्फ एक ही सुरक्षा देता है, वो देता है दोस्तों ओवर लोडिंग की। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, फ्यूज हमेशा हमें सिर्फ ओवर लोडिंग पे सुरक्षा देता है, जबकि हमारे सर्किट ब्रेकर हमें ओवर लोडिंग और ओवर करंट जैसे सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से हमें सुरक्षा देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति आप इलेक्ट्रिकल जुड़े तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।